ये जो आपका बायोगैस गौ माता के गोबर गैस से बना हुआ प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप ईंटों का, हाँ जी। ये हमारे भाई साहब अपना परिचय भी देंगे और समझाएंगे कि इन्हें प्रेरणा कैसे मिली और ये इसको कैसे चला पा रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? मुकेश कुमार है, हरविंदर जी मेरा नाम, और मैं पिछले करीबन 8 साल से राजीव भाई के साथ, उनके विचारों के साथ जुड़ा रहा हूँ जी, और राजीव भाई के अंतिम संस्कार पे भी मैं मौजूद था, तो वहाँ से और उनके विचारों को ही लेके हमने बायोगैस और गौ माता के सेक्टर पे, मतलब गाय के गोबर पे काम करने का प्लान किया। तो फिर हमारे मन में आइडिया आया कि मतलब हम गाय के आर्थिक पहलू पे कुछ काम करते हैं, ठीक है जी। तो उसी को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। ये आप उस साइड जो देख रहे हैं, ये 2000 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी का प्लांट है। इसमें कितने टन गोबर चलता है जी एक दिन में? एक दिन में 40 टन गोबर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी। 40 टन गोबर इसमें डलता है, उसमें 2000 घन मीटर गैस बनती है जी, और उस गैस को यूटिलाइजेशन करने के लिए ये पहला अपने भारत का प्रोजेक्ट है जी, तो बायोगैस को थर्मल एप्लीकेशन में यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। थर्मल एप्लीकेशन में ही ये एक हमने एप्लीकेशन बनाई है, भट्ठी टनल किलन जिसको बोलते हैं, सेरामिक इंडस्ट्री में ये मतलब काम करती है ये, तो जैसे टाइलें बनती है मोरबी में, गुजरात में, मोरबी वाकानेर गुजरात जो हब है सैनिटरी का जी जी, वो इसी तरह की किलने होती हैं, ठीक है। तो हमने भी ये किलन बनाई है, हमने अपनी मिट्टी से हमें जुड़ना था, ठीक है, क्योंकि हम सेरामिक्स बनाते तो हमें गुजरात से मिट्टी लेनी पड़ती है, बीकानेर से लेनी पड़ती, हमें अपनी लोकल मिट्टी के आइटम बनाने थे, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट को चूज किया, ठीक है जी। वहाँ से गैस आ जाती है, गैस को हम यहाँ पे भट्टियों में करते हैं, भट्टी में डायरेक्ट उसको गैस को, उसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसको रिमूव करके फिल्टर करके गैस को, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट हुआ ईंट बनाने का, जो आप कच्ची मिट्टी से ईंट बनाते हो। एक तो ये मैं ये ईंट देख रहा हूँ, ये तो हाथ से बनी ईंट है। हाँ, ये हाथ से बनी हुई है जी, सांचे में। जो दूसरी जो ईंट है जी, ये है, ये मशीन से बनी हुई ईंट है जी, होलो ब्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग वेराइटीज बना सकते हैं, ठीक है जी। हम एक ही मशीन से 20 से ज्यादा वेराइटीज निकाल सकते हैं। आओ मैं आपको मशीन दिखाता हूँ जी, उस एक ही मशीन के अंदर हम 20 से ज्यादा, मतलब इसमें ईंट में मेरे को 3 सुराख दिख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी में डिजाइन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और सुराख भी कम ज्यादा, जिसे वजन कम ज्यादा हो सके। हाँ, अगर कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से भी हम इसमें डिजाइन निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मशीन देख रहे हैं आप, जिससे ईंट बनती है। इससे कितनी ईंटे बन जाती है एक दिन में भाई साहब? इसमें एक दिन में, दिन की 8 घंटे की मैं शिफ्ट की बात करूं तो 8 घंटे की शिफ्ट में हम इसमें 30,000 से 35,000 ईंटें इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और इसके अंदर कन्वेयर से, अभी हमारा कन्वेयर लगा नहीं है, तो कन्वेयर से मिट्टी यहां पे आती है, ठीक है। ये मिक्सर है, मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर में मिक्स हो जाती है, और ये आगे प्रेस से, ये प्रेस एक्सटेंडर है जी, इसके अंदर देखना आती है यहाँ पे, ये वैक्यूम का 3 टन का इसमें वैक्यूम प्रेशर पड़ता है जी, और उससे फिर ये डाई लगी हुई है। वैक्यूम का मतलब उसमें हवा खींच लेता है, हवा खींच लेता है, उसके अंदर पानी है, नमी है, वो खींच लेता है, एयर का गैप नहीं रहता, ठीक है, प्रेशर बन जाता है, ठीक है जी। और सॉलिड क्वालिटी सफाई वो सब आती है। ये आगे डाई है जी, जैसे ओलो ब्रिक्स की डाई लगी हुई है जी, इसकी जगह हमें कोई दूसरी डिजाइन बनाना है, हाँ, जिसमें 9 सुराख करने तो 9 सरी आ जाएंगे, तो ये निकाल देंगे, ठीक है, दूसरी डाई लगा देंगे, ठीक है, तीसरी डाई लगा देंगे, इसी पे ये पूरी स्लाइड एक लंबी आएगी। हाँ, ये पूरी ब्रिक्स लाइन, ब्रिक्स लाइन लंबी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग होती है जी, लंबी अपनी सिल्ली की, ठीक है, और उसके बाद इस पे आ जाती है, और यहाँ से अपनी जो ब्रिक्स है जी, ये ब्रिक्स कटर है, ये ब्रिक्स को काट देता है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें, हाँ, उतने साइज की ये टाइलों वाली साइज है, टाइल की साइज है जी। इसको अगर टाइल की बजाय ईंट निकालना है तो ये निकल जाएगी, निकल जाएगी, ईंट बन जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। तो ये है जी, तो यहाँ से कच्ची ब्रिक तैयार होके ये यहाँ पे आ जाएगी जी। ब्रिक की लेंथ भी हम 1 फुट या, हाँ, ब्रिक्स की लेंथ जो अपनी डाई है ना, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो डाई है उसको एडजस्ट किया तो उसको 9 इंच, वैसे स्टैंडर्ड साइज होता है 9x3x4, उसको हम जो कस्टमर अगर थोड़ा सा कम ज्यादा बोले तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बन जाती है, जैसे ही वो, तो जैसे ये ईंट आती है कच्ची, इसमें मॉइस्चर भी होता है, तो उसको आप इसके बाद का प्रोसेस समझाएं कि क्या करते हैं। क्या होता है कि नॉर्मली अपने जो कच्चे जो चिमनियां होती हैं, जो भट्ठे होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं कि ब्रिक्स हमने बनाई,
वो पथेरे लगाते हैं, कुछ लोगों को लगाते हैं, वो बनाते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो करीबन एक हफ्ता 10 दिन हमें सुखानी पड़ती है। पर अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है जी, यहाँ पे जिस दिन अपनी ईंट बनती है कच्ची ईंट आ गई, हम चाहें तो उसी दिन या एक दिन हम उसको सुखा के दूसरे दिन हम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे उनको स्टोर किया और उसको हमने यहाँ पे प्रोसेस में ले लेते हो। हाँ, ये जो लाइन है ये आप देखिए, ये लाइन है जिसको लोडिंग में, तीन लाइन आपको दिख रही है, एक दो, ये लोडिंग लाइन है, ये सेट अपना बैकअप के लिए है जी, और तीसरी ये भट्ठी है किलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको डाला जी, यहाँ पे डाल के ये पुशर पहली लाइन से पुश किया, ये पुशर इसको आगे पुश करता है, ड्रायर है जिसमें सुखा सकते हैं मीट को, ठीक है जी। यहाँ पे करीबन 200 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। एक इस लाइन में कितनी आ जाती है पूरी, जितना हम ये 5 ट्रॉली आएंगे जी, 5 ट्रॉली इसमें आ जाती है, 5 ट्रॉली एक साथ सुखा सकते हैं। तो एक ट्रॉली में कितनी ईंटें हुई, 800 ईंटें करीबन, तो 4000 ईंटें, 4000 ईंटें आप एक टाइम में सूख जाएंगी ड्रायर से। 2 घंटे हमने यहाँ सुखाई, उसके बाद हमने यहाँ से ये रेलिंग फिर आगे चली जाती है। हाँ, अभी देखो जी, ये ट्रैक है और इसके साथ में हमने ये ट्रांसफर, ये लाइन है, आप यही रुकनाएंगे, ये ट्रांसफर लाइन है जी, जी इस ट्रांसफर, ये बेटे पीछे कर पैर, इसको हम ट्रांसफर कार बोल सकते हैं जी। ये जैसे ही ट्रांसफर कार जो ऑपरेटर है वो इसको यहाँ ले आता है लोडिंग लाइन पे, ठीक है जी। ये ट्रांसफर एक बार में एक ट्रॉली ले जाएगा। हाँ, आगे ऑपरेटर इसको इसके सामने ले जाता है जी, और वो जो वहाँ से अपनी आई वो इसके ऊपर लोड हो जाएगी। ये ड्रायर में से एक ट्रॉली जैसे सूखी, एक ट्रॉली इधर से शिफ्ट की और ये अगली वाली सेकंड लाइन में आ गई। ये बैच शुरू हो जाता है, ये लाइन चल जाती है आपकी। नहीं नहीं, वो इसमें तो ये तो क्या होता है, ये वैसे रिपेयरिंग लाइन है या एक्स्ट्रा माल है, एक्स्ट्रा माल है, उसके लिए हम ट्रॉली को बैकअप के लिए रखते हैं। ये बैकअप के लिए कर दी, वो यहाँ रख दी, ठीक है। फायरिंग करनी है अपने को पकाने के लिए, ये अपने भट्टी के अंदर डालना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये डालेंगे हम यहाँ पुशर से, ये हाइड्रोलिक पुशर है ऑटोमेटिक, यहाँ से हम जैसे ही डालेंगे उसके बाद जो यहाँ अभी डली वो 24 घंटे बाद बाहर निकलेगी। करीबन 1 घंटे में एक ट्रॉली बाहर निकलती है, ये अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे भी हो जाता है टाइम, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है 24 घंटे में, 24। इसमें कितना, इसमें जो बायोगैस है तो इसमें चलती है भट्टी। हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। जो अपनी बायोगैस से जो लाइन आई है वो जी, ऊपर हम आरी बायोगैस की लाइन, ये वाली 1.5 इंच वाली, हाँ, ये जो एसएस की पाइप है, एसएस वाली पाइप, ठीक है जी। प्रीहीटिंग जोन है जो आप अभी देख रहे हो जी, ये मतलब फायरिंग जब होती है तो ये यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा होता है, 150-200 धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे अपनी लाइन आगे चलेगी जी, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये आपके फायरिंग जोन है, फायरिंग जोन में हमारे हाई टेम्परेचर के बर्नर लगे हुए हैं, ठीक है जी। फायरिंग जोन में तो ये जो बर्नर लगे हैं ये देख रहे हैं, ये फायरिंग जोन शुरू हो चुका है जी। ये बर्नर है, ये अपनी गैस बायोगैस जो गाय इसके गोबर से हमने बनाई जी, वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है जी। और साथ में हमने ऑक्सीजन दी है, हाँ जी, जो यहाँ पहुंची है उसके साथ में हमने ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन लाइन है और ये बायोगैस की लाइन है जी। इसको हमने यहाँ से फायरिंग किया, हाँ, साथ में, और जैसे ही फायरिंग करें तो ये बर्नर शुरू हो जाता है, ठीक तो है। ये इस भट्टी में 4 एक साइड, 4 दूसरी साइड, और 2 है फ्रंट में, ठीक है। टोटल इसमें 10 बर्नर लगे हुए हैं, 2 बर्नर एक ये है, एक दूसरी एक उसकी तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो अपनी आती है माल जी, जो लोड किया वो यहाँ तक आने में पक जाता है, यहाँ करीबन 900 से 1000 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ फाइनल ईंट बन जाती है, बन जाती है, तैयार हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है कूलिंग जोन जी, ठंडा, मतलब ईंट जो बनी उसको एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे लाने तक हमें उसको एक टेम्परेचर धीरे 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 कम करना कम करना पड़ता है। तो ये ऊपर हमने नोजल लगा रखे हैं ठंडे हवा देने के लिए, इस कूलिंग जोन में नोजल लगी हुई है, ये इसको ठंडा करती है। आगे आइए आपको कूलिंग जोन दिखाते हैं जी। एक मिनट आया भाई, ये नोजल ठंडा कैसे करते हैं नेचुरल टेम्परेचर पे? ये ब्लोअर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हो ऊपर ब्लोअर है जी, तो इस ब्लोअर से बाहर से हवा, बाहर की हवा लेते हैं, हाँ, बाहर की हवा से और अंदर ठंडा कर लेते हैं। ये कूलिंग जोन है जी, जी ये कूलिंग जोन में
जो माल पक्के बाहर आ जाता है वो जैसे सामने लाइन है जी। तो वो पक्के जैसे ही बाहर आएगा और ऊपर नोजल लगी है वो ठंडा कर देंगे। ये सेंसर लगा हुआ है, ये पूरी अपनी किलन का जो टेम्परेचर अपने को बताता है। ये आप देख रहे हैं ये आगे नोजल है हाँ। और ये सेंसर लगा हुआ अपने को किलन का, हर दो दो मीटर पे सेंसर लगा रखे हैं और इसका पूरा कंट्रोल पैनल बाहर है तो अपने को पूरी किलन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो पता होता है बाहर कि भाई क्या टेम्परेचर है, ताकि अपनी क्वालिटी है जो बॉडी की क्वालिटी है कोई भी प्रोडक्ट की वो अपने हाथ में रहती है, उसकी आवाज उसका कलर वो सब अपने हाथ में रहता है। तो हम अपने हाथ से क्वालिटी अपने कंट्रोल में रहती है। और नॉर्मली जो चिमनियां देसी भट्ठे होते हैं तो उसमें क्या जल रहा है कितना टेम्परेचर है किसी को पता हो जाता है, बाद में आके पता चलता है बाहर भी क्या दो नंबर तीन नंबर चार नंबर बाहर आके पता चलता है। यहाँ तो जो माल निकलेगा वो सारा एक नंबर का, एक नंबर का क्वालिटी एक नंबर की रहेगी। तो एक दिन में कितने ईंट बना सकते हैं ये अपन प्रोसेस में? इसमें 30,000 हमारी जो कैपेसिटी है जी अपने प्लांट की, वो 2,000 क्यूबिक घन मीटर का मतलब अपना बायोगैस प्लांट है जी, उसी के हिसाब से हमने ये अपनी भट्टी डिजाइन की है। ठीक है ठीक है। और उसी हिसाब से हमारी ये प्रोडक्शन जो कच्चे ग्रीन प्रोडक्शन की मशीन है। तो आपको ये गोबर किस रेट में मिल जाता है यहाँ पे? गोबर हमारे को मिलता है जी ये 300 रुपए टन। 300 रुपए टन हाँ जी। एक ट्रॉली कितने टन की होगी? एक ट्रॉली करीबन 6 टन 6 टन और 5 टन के बीच में रहती है। 1500 से 1800 तक आपका बजट है। तो वो सब गाय माता के प्रताप से ये ईंटे तैयार हो जाती हैं। हाँ जी, क्योंकि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है इस एरिया में हमको लगता है, जैसे हमने हिंदुस्तान में पहला है जी बहुत थर्मल एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। ठीक है, बाकी तो बायोगैस के बोटलिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ऐसे बने हुए हैं देश भर में, पर इसमें पहला प्रोजेक्ट है। जैसे मोरबी में टायर्स बनती है वो भी बायोगैस से नहीं बनती? नहीं नहीं, वो क्या होता है कि वो पेट कोक यूज करते हैं जो पोल्यूशन करता है, या कोयला यूज करते हैं या लकड़ी यूज करते हैं या कोई अदर फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, बायोगैस का जहाँ तक हमारा नॉलेज है जी हिंदुस्तान का पहला इको फ्रेंडली ब्रिक्स इंडस्ट्री के रूप में हम सामने आए हैं। और इको फ्रेंडली ब्रिक्स मकान बनाने के लिए बगैर पर्यावरण पोल्यूशन किए हम जो ब्रिक्स लेके आए हैं ये एक नई पहला प्रोजेक्ट है। एयर होल है, जैसे नो है तो उससे आप टेम्परेचर भी हमारा बाहर का मेंटेन रहेगा। हाँ, मकान का बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं ये सिर्फ ब्रिक नहीं बना रहे बायोगैस से, इन्होंने अपना ऑफिस भी गाय के गोबर से देसी गाय के गोबर से बनाया है। तो मैं भारत के पर्यावरण मंत्रालय से विनती करना चाहूँगा कि वो जितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में उससे ज़्यादा आसानी से ये भाई करके दिखा रहे हैं। तो भारत सरकार केंद्रीय सरकार और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ आकर देखें कि कैसे गाय के गोबर को जिसे हम वेस्ट समझते हैं वो कैसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बचाएगा और उसके साथ साथ पर्यावरण का संतुलन करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि गोबर से बायोगैस, बायोगैस से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बनती है। और पर्यावरण मंत्रालय से भी विनती है वो अपने मंत्री और अपने अधिकारी यहाँ आकर देखने के लिए भेजें, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट और सरकार अगर सब्सिडी दे और हमारी इंडस्ट्री जैसे कि गुजरात की मोरबी की टाइल इंडस्ट्री है, बीकानेर की इंडस्ट्री है, वो भी गाय के गोबर से इसको चलाएं और पर्यावरण को बचाएं, जिससे कि हमारी बहुत कीमती बिजली है, पूंजी है और हमारा जो कोल है वो अच्छे कामों में लगे और हमारे गाय के गोबर के साथ साथ हमारे गाय माता का भी इसमें संरक्षण हो और भारत भी अपना पर्यावरण से सुधार करे और पूंजी का निर्माण करे। धन्यवाद। हरविंदर जी, तुम ये कहना चाहते हो भी नेचुरल रिसोर्सेज नु बचाइए, यूज करिए जिन्ना हो सकता है और उन्हें बचाइए, जो नेचुरल से कुदरती रिसोर्सेज है उन्होंने बचा लिए ते ऑलरेडी जिहड़ी साडे कोल प्रोडक्शन है जिहड़ा साडे कोल चीजां हैगियां जिन्हों की अज दी डेट च आपां वेस्ट समझ रहे हैं उन्होंने किवें यूज किया जा सकता है। लास्ट में तुहानू रिक्वेस्ट करूंगा सर, जे कोई होर इत्थे विजिट करना चाहता है तो काइंडली तुसीं इत्थे दा एड्रैस ते लोकेशन दे दो ताकि वो बंदा आराम नाल इत्थे पहुंच सके। जिवें कि इत्थे तुहाडा ये डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल हरियाणा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हिसार नहीं डिस्ट्रिक्ट भिवानी पड़ता है और इसमें तहसील शिवानी मंडी है और ये गाँव है किकराल गाँव है। और वैसे पूरा एड्रेस हमारी एक वेबसाइट भी है www.gausamriddhi.in ये वेबसाइट है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9215-95-95-00 एक बार और बोल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर एक बार और बोल दीजिए 9215-95-95-00 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारी वेबसाइट मैंने बता दिया है www.gausamriddhi.in। और गाय माता के बारे में आपको कैसे प्रेरणा मिली
जिससे आपने ये इतना बढ़िया प्रोजेक्ट शुरू किया। ये सब राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों से ही ये सब प्रेरणा मिली है। पिछले 8 से 9 साल से हम राजीव भाई दीक्षित जी से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों को सुना और उसके बाद हमने ये जमीन पे उतारने का कार्य शुरू किया। तो हमें ये लगता है कि जैसे अब आज हम तीसरी चौथी बार इस रूट पे आए हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा देसी गौ वंश जो है, देसी गाय माता जो है, वो सड़कों पे बेकार घूम रही है, उससे कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी स्थिति भी बहुत नाजुक हो रखी है। उसको खाने को नहीं मिल रहा, वो पॉलिथिन खा रही है, भूखी मर रही है और कई बीमारियां लग रही हैं। तो उसके बाद लगता है कि अगर इस रेट पे गोबर भी बिकना शुरू हो जाएगा तो लोग उस गौ माता को घर में बांध लेंगे। ठीक है, इसी का मैं एक आपको दूं उदाहरण। जब हमने स्टार्टिंग किया था, इसका सर्वे चल रहा था, उस टाइम पे जब हम गौशाला वालों के पास गए, उन्होंने हमारे को जब रेट बताया, उस टाइम पे एक ट्रॉली का रेट हमें करीबन 700 से 750 रुपए के आसपास बताया कि वो नॉर्मली किसानों को ऐसे देते हैं, साल छह महीने में उठा लेते हैं। हमने क्या किया कि हमारे को तो हर रोज लेना है। गौशाला को इससे बेनिफिट हुआ कि एक तो गौशाला 6 महीने बाद देती है, 6 महीने बाद देती है तो गोबर में 85% मॉइस्चर होता है, 15% सॉलिड होता है, तो उसको 15% का ही फायदा होता है, 85% तो उड़ जाता है। 10 किलो गोबर देती है, उसका जब गोसा बनता है 1 kg वजन होता है। अब हम हर रोज गोबर उठा रहे हैं तो 100% का जो मॉइस्चर है उसका भी हम गौशाला को दान दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हो रहा है। अभी हमारा जैसे हमारे यहाँ पे बड़ी गौशाला शिवानी में है, जिसमें 5 ट्रॉली गोबर हर रोज मिलता है हमें, और एक हमारे पास के गांव में है, बड़वा गांव में 2 ट्रॉली वहां से होता है, तो 60 ट्रॉली गोबर होता है, एवरेज 1500 रुपये एक ट्रॉली का पड़ता है। तो हमारा करीबन 2,10,000 रुपये हम एक गौशाला को, 90,000 रुपये एक गौशाला को महीने के हम गोबर के देते हैं। क्या बात, ये गौशाला का डायरेक्ट बेनिफिट है गौशालाओं को। मत कि जैसे कि हमने पहले राजीव भाई से भी सुना था और जर्नल भी हमारे एक सुनने में आया था कि जो एक हमारी देसी गौ माँ है, अगर वो एक सड़क पे घूम रही है, आवारा घूम रही है, अगर हम उसको घर में बांध लेंगे तो कम से कम वो 10 से लेके 15,000 रुपए तक हमें बेनिफिट देगी। अगर चारा भी खाएगी, वो बाहर से घूम के अगर चारा खा के आएगी, अगर दूध भी नहीं देगी, अगर हम देसी गौवंश को, जनरली हम गौ माँ को घर में लेके आते हैं दूध की वजह से, अगर हम दूध छोड़ दें और गौमूत्र, अगर गोबर की ही बात करें तो गौमूत्र और गोबर के साथ हम तकरीबन, आपका कहना है कि 10 से 15,000 रुपए हर आदमी उससे कमा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक गौ से। और हरियाणा में तो हमारी गौवंश ने बहुत ही भरमार है, आपको सड़कों पे मिल जाती हैं, आप जितनी मर्जी घर में बांध सकते हैं और उसका मोबाइल नंबर आपके पास आ गया, एड्रेस आपके पास आ गया। और हम ये मानते हैं कि शायद फ्यूचर में कुछ आप ऐसी भी सुविधा शुरू करेंगे जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली आप अपना प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि एक गरीब आदमी है जिसने घर में। इसका मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले मेरे जिले का जो जिला कलेक्टर है, डीसी हमारे हरियाणा में जिसको बोलते हैं, और एडीसी एडिशनल जिला कलेक्टर होता है, तो उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आया है, तो उन्होंने मेरे को ये बोला है कि हम आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं और हम इसको पूरे स्टेट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और इसमें अभी उनसे बात होगी अगले हफ्ते मेरे पास, यहाँ पे डीसी और एडीसी सब आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को ये दिया है, बताया है कि आपकी जो म्यूनिसिपल कमेटी है, जो नगर पालिका है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से हम आपका सहयोग करवाएंगे। अब हर घर में हम प्लास्टिक के एक अलग से किचन वेस्ट रखवाने का प्लान करेंगे, और वो किचन वेस्ट फिर हम उठा के लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक किचन वेस्ट है वो भी हमारे पास आ जाएगा, तो ऐसा हम आगे प्लान। इसमें एक पॉइंट आपका रह गया था, जब आप फैक्ट्री में हमें विजिट करवा रहे थे तो आपने एक पॉइंट पहले बताया था कि जो बायोगैस के बाद जो गोबर बचेगा उसकी आप खाद भी बनाने वाले हैं। हाँ, ये हमारे कंपनी की एक चैनल पार्टनर कंपनी है, जो हमारी मार्केटिंग कंपनी है। हमारी कंपनी का नाम गौ समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये हमारी मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं सुरेंद्र जाखड़ जी। तो नेक्स्ट जनरेशन एनजी ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से ये एक ब्रांड है, जो हमारी प्रोडक्ट को ये मार्केट में अभी लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा जो ऑर्गेनिक खाद है उसको हम बहुत अच्छी तरह से, उसको क्वालिटी सुधार कर, उसको एक तो जो बायोगैस के अंदर गोबर डालते हैं वो 2 महीने बाद रिसाइकल होके जब वापिस आता है, तो उसके अंदर का ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, अंदर का कोई भी उसमें बीज वगैरह होते हैं, जो खरपतवार होती है खेतों में, वो बैक्टीरिया खा लेता है, तो वो जब बाहर निकलता है तो उसका जो खरपतवार नाशक होता है, खेत में 3-4 साल लगातार करेंगे तो खरपतवार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो उसकी दूसरा क्या है कि जो अपनी खाद है, उस खाद में हम कल्चर डेवलप करेंगे,
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और डॉक्टर के साथ हमने टाई अप किए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें अच्छी कल्चर करके अलग अलग वेराइटीज निकाल के उस फिर हम उसको मार्केट में लेके आ रहे हैं हमारे जाकिर साहब। और दूसरा, ये आपने अब तक ब्रिक्स के बारे में चर्चा हुई है हमारी जी, हम ब्रिक्स के साथ कले पोटरी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी हम गाय के गोबर से बनी हुई बायोगैस से हम फायरिंग करके वो बनाने वाले हैं जी। वो आने वाले 2-3 महीने में हमारे मिट्टी के बर्तन भी बाजार में शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जैसे कि हमने नेक्स्ट जनरेशन वालों से पहले सुना कि आप पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे, फिर आप हिसार से, ऐसे करते करते आप एक एक डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे कवर करेंगे और आई थिंक वो पूरा रेडियस कवर करेंगे, एक रोड पे नहीं आप निकलेंगे, पूरा रेडियस कवर करते हुए आप पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। ऐसे कई बेरोजगार लोग ठीक है जिनको कि आज की डेट में रोजगार नहीं मिल रहा था, तो हर स्टेट में अगर हम बात करें तो पहली स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक रोजगार ही रोजगार हिंदुस्तान में मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें हम नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री आए, पहली बार हम कहेंगे कि मेरी जनरेशन में, मेरी उम्र 44 साल है, तो पिछले अगर मैं बात करूं तो 20-25 साल से जब से मैंने होश संभाली है तो राजीव जी से मैंने भी देसी गांव के साथ, देसी गौ वंश के साथ जुड़ के मेरा भी बहुत इच्छा थी, मेरा बहुत मन था कि इसके बारे में कुछ किया जाए, कुछ प्रैक्टिकल बात की जाए, लेकिन जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करती तो ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें देश के पहले ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं जिसने कि देसी गांव के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की है और अब तो 50% सब्सिडी भी वो दे रहे हैं अगर हम कोई भी देसी गौ वंश परचेज करते हैं। और अभी लेटेस्ट जो हमारी उपलब्धि हुई है उसमें देसी गौ वंश जो हम लेके आ रहे हैं, जिसका सिमन हम लेके आ रहे हैं गिर नस्ल का ब्राजील से, तो एक जो देसी गौ वंश है जो आप पहले 4-5 किलो देसी गौ वंश से हम दूध की एक्सपेक्टेशन करते थे, वो एक्सपेक्टेशन थोड़े सालों में हमारी 60-70 लीटर तक जा सकती है, 60-70 लीटर दूध जो है वो देते हैं। और ये दो इंटे जैसे कि इन्होंने पहले दिखाया, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द दो जो इंटो में डिफरेंस है, ये जो हाथ की दिखाते हैं जी, ये जो पहले बनी हुई ईंट है इसकी फिनिशिंग देखिए, इसका टच देखिए, और ये जो बायोगैस यहाँ पे जो बायोगैस, ये आम भट्टे की है और ये बायोगैस के भट्टे की, बायोगैस के भट्टे की ईंट है। और ये आपको दिखाते हैं आगे देसी गाय के गोबर से जो कमरों को प्लास्टर किया गया है, जिससे एक तो गर्मियों में ठंडक रहती है और ये देखिए कैसे बना रहे हैं गाय के गोबर और मिट्टी से, इसे देसी गाय के साथ सही जुड़ाव कहते हैं और सार्थकता से उसका प्रयोग, जिससे देसी गाय कोई बोझ नहीं है, वो हमारे पेंट का खर्चा भी खत्म कर देती है। ये ऊपर देखेंगे आप बहुत बढ़िया डिजाइन हमारी बहनें बना रही हैं, तो अंदर भी देखिए अभी ऑफिस का काम बन रहा है, ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। तो देसी गाय समस्या नहीं समाधान है, गाय को समस्या के तौर पे प्रचारित किया जा रहा है। ये देखिए गाय का एक अपना ऊर्जा मंत्रालय है, गाय का अपना जीता जागता ऊर्जा मंत्रालय है, यही बायोगैस कैसे एक इंडस्ट्री को भी चला रहा है और हमारे घरों को भी चमका रहा है। और रोजगार के साथ साथ अध्यात्म से भी यहाँ पे जोड़ा जाता है, रोज सुबह ये हवन कुंड इन्होंने बनाया है जहाँ पे कि इनका प्लान है कि रोज सुबह आते सार सबसे पहले ये हवन किया करेंगे। देखिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन से ऊपर कुछ नहीं, देसी गाय के उपलों से यहाँ शुरुआत हवन से की जाएगी। ये देखिए दीवारों पे भी गोबर और मिट्टी से प्लास्टर किया हुआ है और ये सब कार्य गो समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, आप इनसे संपर्क भी करें और इसको और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और प्रचारित करें, जिससे भारत का और प्रकृति का और धरती का सबका भला हो, और ये तीनों का भला करने वाली सिर्फ देसी गौ माता है और उसी को बचाएं, क्योंकि देसी गौ समस्या नहीं समाधान है। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय दिया और इस कार्य में कार्य को करके दिखाया, धन्यवाद जी।